वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एवरीबॉडी। क्या हाल है सबके? होप करता हूँ सब अच्छे में होंगे। अभी हम लोग है गुदरी बाजार में, जैसा कि आप लोग जानते हो। नहीं और अभी हम जाएंगे फिर अपने घर। आज अभी अपने दोस्त को छोड़ने आए थे, बस साथ थोड़ा अच्छा लगता है। आज मैं छोटा सा रिव्यू बताना चाहूँगा रिगार्डेड टू माय कैमरा। कैमरा क्वालिटी मुझे अभी तक बेस्ट लगी। EDF बेस्ट इसलिए क्योंकि डे में मेरा जितना भी अभी तक वीडियोज आ रहा है, ऑल द वीडियोज नॉट मोस्ट बट सारे के सारे वीडियोज मेरे फोकस कैमरा से रिकॉर्डेड हैं। और इसका एक प्रॉफिट ये है कि दिन में इसका जो क्वालिटी है वो सुपर है, रात में भी ठीक है, बस ग्रेन ज़्यादा होता है और रात में उतना हम निकले भी नहीं। दो बार निकले थे, माइक म्यूट हो गया था तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। चल झूठ। नाइट आउट वीडियो भी बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आप बस इतना देख लो कि डे क्वालिटी इसका सुपर है। इफ़ यू वॉन्ट टू बाई अ कैमरा अंडर 8,000-10,000, उसके लिए फोकस रश 2.0 विल बी द बेस्ट ऑप्शन। मतलब इसके नियरली में है आपका हीरो सिक्स है कोई, या फिर SJ कैम्बी है जो कि लगभग इसी के प्राइस रेट में आता है, बट वो दोनों कैमरा में से भी चीप एंड रिलायबल ये फोकस है। और रोड आगे थोड़ा बंद है तो यहाँ पे आजकल बहुत मेरे को रिटर्न करना पड़ता है अपने आप को, बट जो भी हो। तो और साथ में ये भी है कि अगर आपके स्पीड 90-80 भी है तो ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है अच्छे क्वालिटी में। और अभी मेरा स्पीड 25 है, 40 पे भी मेरा अच्छा रिकॉर्डिंग ऑडियो का आता है। तो इट्स द बेस्ट इन द सेगमेंट बिगिनर्स के लिए, जैसे हम बिगिनर अभी हैं और कोई भी बिगिनर है जिसको मोटो ब्लॉगिंग करनी है, सकते हैं, चीप एंड बेस्ट में है। और अभी हम लोग जाएंगे अपने घर को एज यूजल। तो आज का ये छोटा रिव्यू था, फुल रिव्यू मैं जल्दी लाने वाला हूँ फोकस रश 2.0 का, तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। मुझे जाना है बैंक। एक्चुअली सीन ये है कि हमारे भैया जी का एक बैंक से इशू नहीं है, बस उनका एक इशू है जो बैंक में रिजॉल्व हो सकता है, तो बस उसकी इंक्वायरी के लिए हम निकले। तो अपना वीडियो भी एंड करना था, ऐसे ही तो एंड करेंगे नहीं। एंड करने के लिए थोड़ा सा भी कंटेंट चाहिए और बच्चे दिल के सच्चे ऑन द रोड अच्छे नहीं होते। सो नाउ दैट्स ऑल। अभी तक 2 महीने से ऊपर हो गए हैं और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 160 सब्सक्राइबर्स। तो बस पहुंच गए अपने बैंक के पास। नहीं, मेरा बैंक तो नहीं, पहुंच गए उस बैंक के पास जहां पे मुझे इंक्वायरी करनी है। तो हियर इज द बैंक। वाजंट एक्सपेक्टिंग बट काम हो गया बहुत जल्दी। तो अब हम चलते हैं बैक होम। प्राइवेट बैंक की एक अच्छी बात ही लगती है। हाँ तो मैं कह रहा था, रॉन्ग साइड में आने वाले लोग मानेंगे नहीं, कभी नहीं मानेंगे। ये देखो इनको, खैर जो भी हो, रोड है, रोड सबकी है, गवर्नमेंट सबकी है तो रोड भी सबकी है ना। खैर जो भी हो, बैंक में गए थे, काम हो गया एंड एक्सपेक्टेड टू बी लेट बट क्विक हो गया। और रही बात बैंक की, तो प्राइवेट बैंक में एक ये अच्छी बात है कि आपका काम क्विक हो जाता है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। समटाइम्स तो वो आपके पास आते, आपको भी जाना नहीं पड़ता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि आज कहीं नहीं, अब हमको जाना है। एक्चुअली जाना नहीं है, बस अब रेस्ट करेंगे आज मेरी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो यहाँ तक देखे हो तो लाइक करके जाना, पसंद आया है और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना, और घंटी का बटन जरूर दबाना।
ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।